ओके सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। एंड यहाँ पर हम एंड्रॉइड 11 और 1.3 के बारे में बात कर चुके हैं, सैमसंग के A50 के बारे में अलग वीडियो में। अगर आपको वो देखनी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर लें या मेरे चैनल पर वीडियोज़ पर जाकर के देख लेना, अभी दो वीडियो पहले या हो सकता है इससे पहले वाली वीडियो वही हो। वेल, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सैमसंग के A50 के 1UI 2.5 अपडेट के बारे में। एंड एज यू नो, सैमसंग का ऑलरेडी 1UI 2.5 एक आधी कंट्री में रोल आउट हो चुका था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। बट अभी रिसेंटली सैमसंग ने A50 के लिए एक और कंट्री के अंदर जो 1UI 2.5 का अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली एंड अनलकी इंडिया के अंदर रोल आउट नहीं करा है। हाँ भाई, मतलब अभी हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, बट स्टिल जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, उस घंटे को भी दबा देना, जैसे ही वो आगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके चैनल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें 1UI 2.5 की, तो यूरोप कंट्री के अंदर सैमसंग ने जो अपडेट है उसको रिलीज करा है। एंड यहाँ पर मैं थैंक्स कहना चाहूँगा शीतांशु गुप्ता को, बिकॉज उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पर ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी, सो थैंक यू वेरी मच। वेल, यहाँ पर यह जो अपडेट है यूरोप के अंदर रिलीज किया गया है। एंड हम इस डिवाइस के जो इंडियन मॉडल है हम इसके अंदर जो अपडेट है इंस्टॉल कर सकते हैं ऑर्डिन के थ्रू। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको बिल्कुल भी, बिकॉज उससे जो है आउट ऑफ वारंटी होने का चांसेस होते हैं, और जो कैनॉक्स है वो ट्रिप हो जाता है, और कैनॉक्स ट्रिप होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। सैमसंग का डिवाइस सैमसंग के फीचर्स को ही नहीं यूज़ कर पाता, बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और कई बार ऐसा होता है कि कैनॉक्स ट्रिप नहीं होता है, बिकॉज बाहर की जो फार्मवेयर होती है वो इंस्टॉल करने से कई बार कैनॉक्स ट्रिप हो जाता है और कई बार नहीं होता है, मतलब कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज़ के। वेल, यहाँ पर जो 1UI 2.5 है सैमसंग इंडिया के अंदर बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला है। यहाँ पर डेट भी बताई गई थी पहले, 15 दिसंबर आई गेस यही डेट थी। एंड 15 दिसंबर के आसपास जो है सैमसंग 1UI 2.5 को जो अपडेट वो रिलीज़ कर देगा। एंड जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट है वो भी यहाँ पर इसके लिए टेस्टिंग में चल रहा है। एंड वो कब तक आएगा इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो मैं अगेन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। बाय द वे, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जितने भी मतलब फार्मवेयर आ रही है ना, आप अगर चाहो अगर सैमसंग के फीचर्स यूज़ नहीं करते, लाइक सिक्योर फोल्डर हो गया एंड सैमसंग हेल्थ हो गया एंड काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मतलब सैमसंग के एक्सक्लूसिव ही होते हैं, एंड कैनॉक्स की रिगार्डिंग प्रोटेक्शन होती है, लाइक कोई भी आपके डिवाइस को हैक वगैरह नहीं कर सकता इस तरीके की, तो वो जो प्रोटेक्शन है वो सारी खत्म हो जाएगी एंड कैनॉक्स की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। बट आपके डिवाइस में जो 1UI 2.5 है वो आ जाएगा, और हो सकता है कि ऐसा ना हो। बाकी अगर आप चाहते हो मैं अपने डिवाइस के अंदर इस अपडेट को इंस्टॉल करूँ, यानी कि 1UI 2.5 को इंस्टॉल करूँ और आपको दिखाऊँ, तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो डिवाइस है ना मैं उसको एज अ प्राइमरी हैंडसेट यूज़ नहीं करता हूँ, और मेरा छोटा भाई यूज़ करता है वो भी सेकंड स्मार्टफोन की तरह, ठीक है। नहीं तो अगर आप कहोगे तो मैं अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करूँगा और आपको अगली वीडियो में जो है बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए यही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Signing out.